जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सेक्शन में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। सीएसबीसी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। शराबबंदी विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। 689 पदों की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसका अपडेट 13 अप्रैल को आज दिया गया है। अब यहाँ पे दो नोटिस दिए गए हैं। एक नोटिस है आपके एग्जाम डेट को लेकर, जो कि यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, और एक नोटिस है आप उन सभी छात्रों के फॉर्म को लेकर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। कुल अगर फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो 8,853 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो उसके कारण भी यहाँ पे बताए गए हैं क्यों यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। और ये जो है रिजेक्ट होने के कारण है कि रजिस्टर जो है तो किए थे छात्र, बट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे थे। तो वैसे लोगों का संख्या 4,952 है और एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किया गया है एप्लीकेंट का 3,585, जो कि एप्लीकेंट के साथ छात्रों के द्वारा ही अपना फॉर्म को कैंसिल किया गया था। इनवैलिड जो कुछ छात्र हैं जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं, फोटो और नॉन फोटो वाले सिग्नेचर वाले भी अपडेट थे, जिनका कि 316 अपडेट है छात्रों का संख्या। तो कुल मिला के 8,853 ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। अब आते हैं नोटिस पे। ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग भी, और मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। पहले तो मैं फिर बता दूं आपको कि 14 मई को एग्जाम है आपका, यहाँ पे डेट दे दिया गया है, लेकिन आज है 13 अप्रैल, एक महीना कंप्लीट आपके पास टाइम है। करना क्या है आपको, YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कल रात 8 बजे डेली है ना एक प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली मारिए, एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिलेगा। हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पब्लिकेशन से हो क्वेश्चन आर, कुछ अपने YT एजुकेशन के क्वेश्चन आर सेट करके दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये सेट लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक महीना कंप्लीट, ये 8 बजे शाम को यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे सेट प्रैक्टिस आगे खुद से करना भी है। दूसरी चीज, इन सब का PDF जो होगा मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर दूंगा, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो YT एजुकेशन का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने, ठीक है, वहां पे आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी अगर आप लोग कहेंगे कि सर सेट करवाइए, तो टॉपिक वाइज भी आपको सेट मिलेंगे यहाँ पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो उसका भी सेट हम लोग अवेलेबल कर देंगे चैनल पे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ताकि इस परीक्षा को पास कर सके। यही नहीं, बिहार में दरोगा की बहाली भी आने वाली है, जिसको लेकर हम लोगों ने Volume 1 खत्म किया, जहाँ पे 15 सेट कम्प्लीट करवाए, 1500 क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुके। अब ये दूसरा सेट शुरू हुआ है, जो इसमें भी 5 सेट हो चुका है। इन सब का PDF आपको YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। जितने भी है क्वेश्चन आर यहाँ से करवाए गए, उन सब का PDF हम लोग वहीं पर दे देते हैं, ताकि एक जगह वो सारे PDF आपको मिल जाए। तो आप लोग जल्दी से YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। 689 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। 14 मई को आपको बता दें कि ये परीक्षा है आपकी, एक पाली में परीक्षा ली जाएगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 9 बजे आपका एंट्री किया जाएगा लास्ट, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम है, तो आपको अंदर प्रवेश किया जाएगा। दूसरा अपडेट दिया गया यहाँ पर ई प्रवेश पत्र को लेकर, कि हमें एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है। तो 27 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड मिल सकेगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपका सेंटर है कहाँ। तो सेंटर जो दिया जाएगा वो ध्यान में रखिएगा, अपना ही अपना एडमिट कार्ड ही डाउनलोड कीजिएगा। किसी और का अगर आपका नाम पता उस पर दिया है, या फादर नेम गलत दिया है, उसका सुधार भी करवाना होगा। आपको अपना एडमिट कार्ड स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र जो है आपको सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको लेके जाना होगा एग्जाम के टाइम पे, कोई भी एक। ई प्रवेश पत्र पर स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ अपना 2 फोटो लेकर जाएंगे। मान लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड पे आपका सिग्नेचर या फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, तो फोटो तो लेके जाएंगे ही, और सिग्नेचर भी आपको अपने वीक्षक के सामने करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा अपडेट दिया गया है क्या, कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उनके लिए 11 मई और 12 मई के बीच में, यानी कि 2 दिन समय दिया जा रहा है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, यहाँ पे जाके CSBC के ऑफिस में, जो कि हार्डिंग रोड सचिवालय के निकट है पटना में, वहाँ से जाके अपना डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जो है निकलवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती भी ले जाएंगे, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी ले जाना है आपको, नहीं है तो नहीं हो पाएगा फिर।
एक वैध फोटो पहचान पत्र भी लेके जाना होगा ताकि आपकी पहचान की जा सके। डुप्लीकेट ई एडमिट कार्ड जो है आपका वहां से निकल सकेगा। देखिए अब यहाँ पे चौथा अपडेट दिया गया कि रोल नंबर वाइज परीक्षा केंद्र पर आपको जाना है। 27 अप्रैल को आपको वेबसाइट पे रोल नंबर वाइज आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। डाउनलोड किया गया ई प्रवेश पत्र के अनुरूप ही होगा। अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाता है कि अपने एडमिट कार्ड को परीक्षा के बाद सुरक्षित रखें ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है पीटी में तो पीईटी के लिए यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी काम आएगा। उस समय मांगा जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उस समय भी मांगा जाएगा, योगदान करने जाएंगे उस समय भी मांगा जाएगा, तो उसका एक फोटो कॉपी करके जरूर रख लीजिएगा। पांचवा अपडेट है यहाँ पे कि ओएमआर शीट को लेकर। देखिए ओएमआर शीट को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि हमने यहाँ पे स्पेसिमेन कॉपी दिया है, अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आपको क्या करना है कि इसको डाउनलोड करके लिखित परीक्षा का ओएमआर जैसा इसको भरना है ना। रोल नंबर कैसे भरना है, उत्तर पुस्तिका कैसे डालना है, अनुच्छेद लेखन कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पे संलग्न कर दिया गया है साथ में। इस दिशा निर्देश को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे कि आपका जो ओएमआर शीट होगा उसमें दो कॉपी लगा रहता है, एक नीचे कार्बन कॉपी रहता है जिसे हम लोग द्वितीय पत्री कहते हैं, तो उसको अलग मत कीजिएगा, कभी भी अलग से हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। एग्जाम में सिर्फ नीला या फिर काला ये ही आपको जो है पेन लेके जाना है, इसी से आपको कलर करना अपना ओएमआर से। यहाँ पे आपको एक चीज और दिया गया है कि कागज या मतलब आपने ओएमआर शीट पे कोई कागज ना चिपकाए या फिर उस पर कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको स्कैन होता है और स्कैन होता है तो आपको वहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं, तो कहीं उससे चलते जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कलर करने की अपडेट दिए गए हैं ये कुछ इस तरह से आपको कलर करना है, ध्यान में रखिएगा। गोला जो करते हैं हम लोग है ना, कुछ इस तरीके से करना है, और ये गलत तरीका यहाँ पे जो दिया गया है इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको, इस तरीके से आपको रोल नंबर भरना है यहाँ पे और इस तरीके से आपका ओएमआर पुस्तिका संख्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों जो कि दी गई है। चार तरह के आपके प्रैक्टिस सेट होंगे यहाँ पे, जो कि एग्जाम में चार ए बी सी डी करके दिया जाएगा। इसके बाद इसको जो भी आपको सेट मिलता है उसको बताना होगा कि कौन सा सेट है आपका। सपोज मान लीजिए बी सेट है तो इसको कलर कर दीजिएगा इस तरीके से, ये कलर करने का सही तरीका होता है। तो ये हो गया पांचवा अपडेट जो कि यहाँ से दिया गया है, इसमें गलती मत कीजिएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के दौरान जो रोल नंबर मिला है उस पर स्टिकर पर छपे हुए नाम फोटो और रोल नंबर मिला के अपने सीट पर बैठेंगे, किसी और के सीट पर मत बैठ जाइएगा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 9 बजे तक एंट्री होगा, तो अच्छे से जाइएगा, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा, लेकिन तैयारी करके जाइए। तो तैयारी कैसे करना है जुड़िए YT एजुकेशन के चैनल पे। कल से शाम 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट आपको बिहार सिपाही का मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बिहार मद निषेध सिपाही भर्ती का देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना रखा है, ये देखिएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाए थे, ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया गया था, इसको भी जरूर देख लीजिएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि लड़े आपका, ठीक है। इसके अलावा बिहार दुर्गा का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे 5 सेट इसमें हो चुका है नया वाला, ये Volume 1 हम लोगों ने करवा दिया है, 1500 सेट 1500 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है और ये डेली आपका चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका टॉपिक वाइज भी हम लोग क्यूज देंगे, करेंट अफेयर का भी क्यूज देंगे, लेकिन कमेंट आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का, तभी आप लोगों का सपोर्ट हो पाएगा यहाँ से। और बाकी आप लोग YT एजुकेशन के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको 11 बजे एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है बिहार दुर्गा को लेकर, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा GKGS वाले सेक्शन को लेकर। बाकी इस सेट को जो करवाया जाएगा कल से, इस सेट में आपको इंग्लिश और हिंदी वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शाम को 8 बजे मिलते हैं कल YT एजुकेशन पे, ओके। अभी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।